मुतालबा मैं ये लेके आई हूँ कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ 57 मुल्कों के हुकूमत करने वालों, होश में आओ। ये नितिन्याहू जो है, ये चंगेज खान है। पता है चंगेज खान कब हारा है? मोहम्मद गजनवी से हारा इंडिया में। तो चाइना को उससे ताराज कर दिया था। जिस वक्त मुसलमान यूनाइट हुए हैं, उस वक्त चंगेज खान हारा है, हर जगह उससे कब्जा किया। तो मैं ये कह रही हूँ, होश में आओ, एक के बाद एक तुम लोगों को निकल लेगा ये नितिन्याहू। और इसराइल के लोगों से कह रही हूँ, इसको कुर्सी से उतार के फेंक दो, वरना ना फिलिस्तीन रहेगा ना तुम रहोगे। ये वर्ल्ड वार होता है कि इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसको जो है सब मिल के रोक सकते हैं। और फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाओ, ये उनकी सरजमीन है, इसराइलियों की सरजमीन नहीं है। भाई हमारा हिंदुस्तान का मीडिया बोल चुका है कि ये फिलिस्तीनियों की सरजमीन है, और सबको चाहिए बोले बीच में। ह्यूमैनिटी कम्युनिटी से हूं वो, बाद में मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, मैं सोशल कम्युनिटी से रखती हूँ। पूरा इंडिया जितने सोशलिस्ट हैं, वो सब इसके साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ। मेरे पास फोन आ रहे हैं, आप इंटरव्यू दीजिए। मैंने कहा मैं खुद दूंगी। भाई तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, मैं हक का साथ देती हूँ। तो आपका क्या मैसेज रहेगा वर्ल्ड को, या बाकी जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि होश में आ जाओ, ना यूरोप बचेगा, ना इसराइल बचेगा, और ना फिलिस्तीन बचेगा। ये वर्ल्ड वार हो जाएगी। देख लिया ना यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का, जिस तरह से यूक्रेन को खत्म किया है, फिलिस्तीन और इसराइल भी खत्म हो जाएंगे। तो होश में आओ और इंसानियत के लिए लड़ो, मजहब को एक तरफ रख दो, इंसानियत के लिए लड़ो। और मुसलमानों को मैसेज एज ए मुस्लिम मेरा यह है कि यूनाइट हो, वरना तुम एक के बाद एक खत्म कर दिए जाओगे। गुलामी मत करो किसी की।